सो हेलो गाइस, सॉलेंट सीरीज के एपिसोड 210 का ट्रेलर आ चुका है। मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम इस ट्रेलर को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए इस ट्रेलर का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अब जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हमें अर्मिन को दिखाया जाता है, जिसे स्नेक लेंस मास्टर के मार्शल सोल ने जकड़ लिया था और अर्मिन खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें शाओ की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो तैंगसैंग से कहती है कि 6 पावरफुल सोल मास्टर वहां पे इंतजार कर रहे हैं, अब हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद हमें सेक्रेट ड्रैगन के चीफ ताओबा जी के सेक्रेट ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि पूरी तरह बंधे हुए अर्मिन को काट कर चोट पहुंचाने लगता है। अब अपने छोटे भाई अर्मिन को दर्द से चीखता देख कर दामिंग को गुस्सा आने लगता है। इस वक्त दामिंग भी बहुत घायल था और ब्लोफिश मास्टर लगातार दामिंग को चोट पहुंचाता जा रहा था। इसके बाद जैसे ही ताओबा जी का सेक्रेट ड्रैगन दामिंग पर अटैक करने के लिए जाता है तो दामिंग उसके अटैक को डॉज कर लेता है और तुरंत पलटकर अपने मुंह से आइस फ्लेम छोड़ने लगता है। इस आइस फ्लेम को सेक्रेट ड्रैगन जल्दी से डॉज करने की कोशिश करता है, पर वो शायद थोड़ा बहुत घायल हो भी जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में हमें 4 ग्रैंड सोलन मास्टर के मार्शल सोल को दिखाया जाता है, जो कि दामिंग को चारों ओर से घेरे हुए थे। इन चारों ग्रैंड सोलन मास्टर में ओल्ड घोस्ट मास्टर, क्राइसेंथिमम मास्टर, ब्लूफिश मास्टर और सेक्रेट ड्रैगन मास्टर तौबा जी थे। अब अगले ही सीन में हमें बेबी डॉम को दिखाया जाता है, जो कि अपने नॉर्मल फॉर्म में थी और वो अपने फर्स्ट मार्शल सोल डेथ स्पाइडर एम्परर के सॉल स्किल की मदद से दामिंग या फिर अर्मिन को मारने जा रही थी। पर तभी पीछे से तैंगसैंग बेबी डॉन्ग पे अटैक कर देता है और वो अपने पर्पल डेमन आई की मदद से बेबी डॉन्ग को मेंटल शॉक देने की कोशिश करता है, ताकि बेबी डॉन्ग अपने मेंटल प्रेशर को यूज ना कर पाए और दामिंग और अर्मिन से उसका मेंटल कनेक्शन हट जाए, जिससे दामिंग और अर्मिन को ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन अगले ही सीन में हमें क्राइसेंथिमम मास्टर की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि ओल्ड घोस्ट मास्टर को फ्यूजन स्किल यूज करने के लिए आवाज देता है। शायद उन्होंने तैंगसैंग को बीच बचाव करते हुए देख लिया था, इसलिए वे दोनों अपने बायोपोलर स्टैटिक फील्ड के मदद से उस जगह के समय को रोकना चाहते थे, ताकि वे अपने अनजाने दुश्मन को आसानी से रोक पाए। पर तभी तैंगसैंग अपने सीगर ट्राइडेंट को बाहर निकाल लेता है और इस ट्राइडेंट के डिवाइन लाइट को देख कर ओल्ड घोस्ट मास्टर डर जाता है। अब ओल्ड घोस्ट मास्टर और क्राइसेंथिमम मास्टर की फ्यूजन स्किल पूरा होने से पहले ही तैंगसैंग अपने सीगर ट्राइडेंट से उन्हें रोक लेता है। इसके बाद तैंगसैंग तुरंत ही ओल्ड घोस्ट मास्टर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। तैंगसैंग के डिवाइन पावर को देखकर ओल्ड घोस्ट मास्टर समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, इसलिए वो तुरंत ही क्राइसेंथिमम मास्टर को खुद से दूर फेंक देता है और उससे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। गाइस, सॉलेंट नोवल में ओल्ड घोस्ट मास्टर पे एक छोटी सी स्टोरी है, जिसमें बताया गया है कि ओल्ड घोस्ट मास्टर बचपन में ही मर गया था, पर एक घोस्ट ने उसके सोल को दोबारा जिंदा कर दिया था। उसी समय से उसकी मार्शल सोल एक घोस्ट टाइप मार्शल सोल में बदल गई थी और ये घोस्ट सिर्फ डिवाइन लाइट से ही डरता था। अब जैसे ही ओल्ड घोस्ट मास्टर क्राइसेंथिमम मास्टर को खुद से अलग करता है, तभी तैंगसैंग अपने सीगर ट्राइडेंट के डिवाइन लाइट के साथ ओल्ड घोस्ट मास्टर के घोस्ट बॉडी को चीर देता है। अब इस डिवाइन लाइट को ओल्ड घोस्ट मास्टर का बॉडी नहीं झेल पा रहा था और फिर तुरंत ही उसका बॉडी जलकर डस्ट बन जाता है। ये देखकर अब क्राइसेंथिमम मास्टर बहुत दुखी हो जाता है और ओल्ड घोस्ट मास्टर को याद करके रोने लगता है। इसके बाद जब सबका ध्यान भटक जाता है और वे सभी ओल्ड घोस्ट मास्टर की जली हुई बॉडी को देखने लगते हैं, तभी मौका पाकर तुरंत तैंगसैंग साउ से कहता है कि वो जल्दी से दामिंग और अर्मिन को कहीं दूर लेकर चली जाए। तैंगसैंग की बात सुनकर साउ अपनी पावर की मदद से दामिंग और अर्मिन को पकड़ लेती है और उन दोनों को खींचते हुए आगे जाने लगती है। अब आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि साउ तो इतनी छोटी है और वो इतने विशाल सोल बीस्ट को कैसे खींच सकती है। इसलिए मैं आपको याद दिलाता चलूं कि साउ की बॉडी अभी भी एक सोल बीस्ट की बॉडी है। दूसरी बात कि साउ की फिजिकल पावर तैंगसैंग से बस थोड़ी ही कम है। और सबसे जरूरी बात यह है कि तैंगसैंग साउ को लेकर सीगोर के फर्स्ट ट्रायल में 312 सीढ़ियां चढ़ा था, जिस वजह से साउ की फिजिकल पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अब अगर आप देखें तो ग्रैंड ओशियन गॉड मास्टर बोजैक जी, जिन्होंने बस 222 सीढ़ियां चढ़ी थी, तब उनका पावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग था। अब भले ही साउ तैंगसैंग की मदद से 312 सीढ़ियां चढ़ी थी,
पर प्रेशर झेलने की पावर अब उसमें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अभी भी शाओ की सोल पावर बोसाक्षी जितनी नहीं थी, जिस वजह से उसकी फिजिकल पावर बोसाक्षी के बराबर नहीं थी। पर शाओ की फिजिकल पावर इतनी ज्यादा तो जरूर थी कि वो दामिंग और अर्मिंग को खींच सके। अब अगले ही सीन में हमें तांगसेंग के ब्लू सिल्वर स्पाइक्स को दिखाया जाता है, जो कि गॉड किलर डोमेन से मर्ज होकर शाओ के लिए आगे जाने का रास्ता बना रहे थे। इसके बाद हमें बेबी डोंग के ग्रीन पॉइजन को दिखाया जाता है, यानी कि अब बेबी डोंग अपने फर्स्ट मार्शल सोल से स्विच करके अपने सेकेंड मार्शल सोल साउल लिटर स्पाइडर एम्परर के फॉर्म में आ गई थी, और उसने अपने सोल स्किल की मदद से बहुत सारे स्पाइडर्स को तांगसेंग का पता लगाने के लिए भेजा था। लेकिन तांगसेंग अपने वास्सी बैरियर में छुपकर उन सभी स्पाइडर्स को अपने ब्लू सिल्वर स्पाइक्स में जकड़कर मारता जा रहा था। इसके बाद हमें शाओ और तांगसेंग को दिखाया जाता है, जिसमें शाओ तांगसेंग को याद रखने को कहती है कि वे दोनों एक हैं, और अगर तांगसेंग को कुछ भी हुआ तो वो भी जिंदा नहीं रहेगी। इसके बाद हमें अगले ही सीन में शाओ का एक एनर्जी बैरियर दिखाया जाता है, जिसकी मदद से शाओ दामिंग और अर्मिंग को ढकेल कर जंगल के अंदरूनी हिस्सों में ले जा रही होती है। इसके बाद हमें बेबी डोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपनी शिकार के गायब हो जाने के कारण बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, और ऊपर से तांगसेंग ने जंगल के चारों ओर अपने ब्लू सिल्वर स्पाइक्स का घेरा बना दिया था, ताकि किसी को भी शाओ का करंट लोकेशन पता न चल पाए। अब जब शाओ एक सेफ दूरी पर पहुंच जाती है तो तांगसेंग अपने घेराबंदी को हटा लेता है। इसके बाद बेबी डोंग तांगसेंग को ढूंढते हुए कहती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद बेबी डोंग अपने बाकी के ग्रैंड सोलन मास्टर से कहती है कि जाओ और मेरे खोए हुए सोल रिंग्स और सोल बोन को वापस लेकर आओ। यहाँ पर बेबी डोंग दामिंग और अर्मिंग की ही बात कर रही थी। अब ये कहकर बेबी डोंग तांगसेंग का पता लगाने के लिए अपने डेथ डोमेन को रिलीज कर देती है, लेकिन तभी तांगसेंग भी डेथ डोमेन से बचने के लिए अपने ब्लू सिल्वर डोमेन को रिलीज कर देता है। इसके बाद हमें बेबी डोंग के डोमेन के अंदर बाकी चारों ग्रैंड सोलन मास्टर को दिखाया जाता है। इन ग्रैंड सोलन मास्टर्स में क्राइसेंथिमम मास्टर, सेक्रेट ड्रैगन मास्टर, ब्लू फिश मास्टर और श्रेकलेंस मास्टर थे। लेकिन जब बेबी डोंग को तांगसेंग के लोकेशन का पता नहीं चलता है तो वो अपने सोलबोन स्किल का यूज करती है। इस सोलबोन स्किल से एक बड़े और हरे रंग की आंख की आकृति दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर स्नेकलेंस मास्टर सभी से कहता है कि हमारी महारानी बेबी डोंग ने अभी तक इस सोल स्किल को छुपा के रखा था और उन्होंने अपनी सोल स्किल को कभी इस्तेमाल भी नहीं किया था। अब जैसे ही बेबी डोंग अपने इस विशाल नाक से खुद को कनेक्ट करती है तो उसे तांगसेंग का पता चल जाता है, और वो तुरंत अपने सौ लीटर स्पाइडर्स को तांगसेंग का पीछा करने के लिए छोड़ देती है। इस समय बेबी डोंग के पास भी बिल्कुल तांगसेंग जैसा ही 8 स्पाइडर लेंस दिखाई दे रहे थे, और ये स्पाइडर लेंसेज बेबी डोंग को कैसे मिले होंगे ये तो हमें एपिसोड आने के बाद ही पता चल पाएगा। सो गाइज, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और अगर आप एक नए एनाइम लवर है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।